पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। कूल से लथपथ शॉट पर मिले 8 गोलियों। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये फायर अब वोल्केनो बनकर इस साल 2024 में बॉक्स ऑफिस पर बरसने वाला है। जब पुष्पा 2 दी रूल आएगी तब वो इस साल के बने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और पूरे साल 2024 पर अपना रूल करेगी। पुष्पा क्या चीज है और पुष्पा की क्या हाइप है, ये तो जब पुष्पा का फर्स्ट पोस्टर रिवील किया गया जिसमें पुष्पा नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आ रही थी, उसे देखकर ही पता चलता है, क्योंकि ये किसी मूवी का पहला फर्स्ट लुक है जिसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों ही प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिली है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया गया। लेकिन पुष्पा के इस न्यू लुक की अगर बात की जाए तो पुष्पा इस पोस्टर में तिरुपति गंगम्मा यात्रा में जिस तरह से तिरुपति के लोग खास तौर पर मर्द तैयार होते हैं वैसा लुक लिया है। अब इस किरदार के पीछे काफी सारी थ्योरीज ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन हमारी आज की थ्योरी के हिसाब से पुष्पा का ये लुक लेने के पीछे की वजह होगी शिवली, या यूं कहें शिवली की मौत, क्योंकि इस यात्रा के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे की वजह की अगर बात की जाए तो काफी समय पहले जब पेला गुंदुलू लोगों को तिरुपति और आसपास के इलाकों पर शासन करता था तब उसके शासन में पुरुष महिलाओं को परेशान करती थी और उनका रेप करती थी, और उस दौरान किसी भी महिला को नहीं छोड़ा गया था, सबकी हालत खराब थी और उनकी रक्षा के लिए तिरुपति से 2 किलोमीटर दूर अविलाला गांव में देवी गंगम्मा ने जन्म लिया और वो खूबसूरत लड़की थी, और वो पहले गोंडोलू में से एक ने एक देवी को नुकसान पहुंचाया, तब देवी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया, तब वो कहीं छुप गए और फिर देवी ने उन लोगों के राज डोरा का रूप लिया, और फिर जब सब पेलिंग गोंडुलू सामने आए तो देवी ने उनका संहार किया और ये युद्ध 7 दिनों तक चला। इसलिए ये फेस्टिवल भी 7 दिनों तक चलता है और इस फेस्टिवल के दौरान देवी गंगम्मा की पूजा की जाती है और आदमी भी औरतों जैसा रूप धारण करके मैसेज देना चाहते हैं कि अगर फिर किसी महिला के साथ किसी राक्षस ने कुछ गलत किया तो उनका हाल वैसा ही होगा। अब इस बात को आप अगर मूवी से कनेक्ट करेंगे तो कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि शिवली के किरदार की इस मूवी में मौत हो जाती है और पुष्पा की दुश्मनी रेडी ब्रदर्स के साथ भी थी जो शिवली को किडनैप कर उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। देखते हैं क्या होता है, बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे, बाय बाय।